हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाँच फरवरी 2021 को आपको न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं देखेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको पढ़नी चाहिए सो द प ऑफ़ दिस वीडियो एंड द पर्पज़ ऑफ़ दिस वीडियो सीरीज़ जो हम रोज़ पोस्ट करते हैं वो ये नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस बताया जाए दैट इज़ नॉट द पर्पज़ दिस इज़ नॉट एन एनालिसिस वीडियो दिस इज़ एक्चुअली अ गाइड फॉर यू कि आपको न्यूज़ सेलेक्ट करनी आनी चाहिए बिकॉज इफ़ यू सी द डिटेल सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसज एग्जाम्स चाहे वो यूनियन के हों चाहे वो स्टेट के हों द न्यूज़ दैट यू रीड इन द न्यूज़ पेपर इट हैज़ टू बी पॉइंटेड इट हैज टू डिलीवर समथिंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट कई बार स्टूडेंट्स बहुत घंटों तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं बट स्टिल दे डू नॉट दे आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग सिग्निफिकेंट आउट ऑफ इट तो जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे होंगे और जब तक आपको सिलेबस मेमोराइज नहीं होगा तब तक यू ए नॉट बी इन अ पोजिशन टू पिक एंड चूज विच न्यूज़ टू रीड एंड विच वन नॉट टू तो इस वीडियो का पर्पस ये है ताकि आपको बताया जा सके कि आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए ताकि आप खुद उसे जाकर पढ़ सकें दैट इज़ वाई दीज वीडियोज़ आर शॉर्ट यानी मैक्सिमम दस से बारह मिनट का रखा जाता है सो दैट यू जस्ट टिक द न्यूज़ ऑन यूज़ पेपर एंड देन यू कैन रीड इट बाई योर लेकिन अगर आप अभी न्यूज़ पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन उस न्यूज़ की एक ब्रीफ एक दो लाइन् में कि उस न्यूज़ का पर्पज़ क्या है वो आपको बताना हमारा पर्पज़ है राइट सो जस्ट मेक अ लिस्ट और कीप द न्यूज़ पेपर्स विद यू ताकि आप उसमें से पेज बाई पेज उन न्यूज़ को टिक कर सकें या उनकी हेडलाइंस लिख सकें ताकि आप न्यूज़पेपर में सिर्फ वही न्यूज़ पढ़ लें एंड यू विल बी दैट विल भी सफिशेंट फॉर यू बाकी जितना भी ट्रिवियल मटेरियल है वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा जबकि कई स्टूडेंट्स घंटों लगा देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में बट स्टिल दे डो नॉट गेट एनीथिंग सिग्निफिकेंट आउट ऑफ इट सो द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज नॉट एन एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ बट टू गाइड यू वट टू रीड एंड बट नॉट टू रीड इन द न्यूज़ पेपर सो इन अनालिसिस वीडियो द पर्पज इज टू गिव यू द फिश टू ईट बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू कैच द फिश वी आर नॉट गिविंग यू द फिश वी आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू कैच द फिश और अगर आपको वो न्यूज सेलेक्ट करनी आ जाएगी दैट इज़ द रियल पर्पज फॉर विच वी आर मेकिंग दिज वीडियोज तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि रोज़ ये वीडियो आपको नोटिफाई हो सके नाउ लेट अस स्टार्ट आज के न्यूज में देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सीरो सर्वे करवाया है काफी सारी स्टेट्स इसको पहले ही करवा चुकी हैं अपने अपने लेवल पे लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे ये पहला सर्वे है इसीलिए ये फ्रंट पेज में पहले नंबर पर न्यूज है तो इसके अकॉर्डिंग वन फिफ्थ जो इंडियंस हैं दे आर ऑलरेडी एक्सपोज टू कोरोना वायरस ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट इंडियंस आर ऑलरेडी एक्सपोज टू करोना वायरस जिनकी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ डिवेलप कर चुकी हैं तो ये ऑफकोर्स सैंपलिंग साइज़ पर डिपेंड करता है मैथड ऑफ सैंपलिंग पर डिपेंड करता है बट दिस सेरोसर्वे इज़ वॉज क्वाइट वाइड द यूनिवर्स वॉज क्वाइट वाइड तो इस वजह से ये काफ़ी रिलायबल न्यूज़ है कि वन फिफ्थ इंडियंज ने ऑलरेडी कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ डिवेलप कर ली हैं सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है so, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सो ऑन स्टेट पेजेस यू डू नॉट यूजुअली फाइंड एनीथिंग मच यूजफुल काफी यहां पर अच्छी न्यूज यूजफुल न्यूज नहीं होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे न्यूज अच्छी हो सकती हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं सो डायरेक्टली हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे नाउ ऑन एडिटोरियल पेज ऑन एवरी सिंगल डे अप्रोसी एवरी सिंगल डे फॉर द लास्ट टू मंथ्स आपको एक आर्टिकल दिखेगा जो कि फार्म लॉज प्रोटेस्ट के ऊपर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस में आपने नहीं जाना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितना ज़्यादा आप एनालिसिस में जाएंगे एक लिमिट के बाद दैट विल बी डिस्ट्रक्टिव तो आपको एक बेसिकली पॉइंट बाई पॉइंट पता होना चाहिए कि लॉज की प्रोविजन क्या हैं उन प्रोविजन के ऊपर फार्मर्स का स्टैंड क्या है गवर्नमेंट का स्टैंड क्या, क्या है किन किन कंटेंशियस पॉइंट्स पे गवर्नमेंट मान गई है और किन पे नहीं मानी है दैट इज वट यू नीड टू स्टडी बाकी सब जो है एनालिसिस आप कर सकते हैं येस ये एक इम्पॉर्टेंट है दिस वन याइंड द गैप्स इन द पेंडेमिक रिस्पॉन्स तो एक साल अब हो चुका है इंडिया में ऑलमोस्ट कोरोना वायरस को हिट किए फेबररी वॉज द टाइम जब पहले केसेज आने शुरू हुए थे केरला से सो पैंडमिक रिस्पॉन्स में क्या क्या गैप्स हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाना चाहिए इसके ऊपर ये आर्टिकल है ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा आ, अच्छा है ये इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड इसमें एनालिसिस किया गया है कि इंडिया में पैंडमिक का रिस्पॉन्स कैसा था और ओवरऑल वर्ल्ड में कैसा था उसको कंपेयर किया गया है एंड सिविल सोसाइटी का रोल क्या था ये सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं सो यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल देन अगेन म्यांमार वाली न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है जो तख्ता पलट हुआ है वो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से आपको पढ़ लेनी है उसका एनालिसिस है ये बेसिकली देन एच ए एल प्लानिंग टू एक्सपोर्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पेज नंबर एट पे एच ए एल प्लानिंग टू एक्सपोर्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एल सी ए यानी कि तेजस जो है उसको ना सिर्फ इंडिया खुद प्रोक्योर कर रहा है बल्कि उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंडिया जो है वो तैयार है तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये बिकॉज अब तक तो हम डिफेंस इक्विपमेंट को सिर्फ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं बट नाउ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू थिंक ऑफ इन अ वे कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सो दैट इज़ अ न्यू डिवेलपमेंट एंड इंडिया इज रेडी टू सप्लाई वेपन सिस्टम्स टू इंडियन ओशियन नेशन अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आई आर पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज इंडिया की फॉरन पॉलिसी डॉक्ट्रीन है एक बड़ी इंपॉर्टेंट दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो इसमें एक तो इंडिया बिम्स्टेक को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है बिम्स्टेक को इंपॉर्टेंस दे रहा है एंड सेकेंडली नाउ इंडियन ओशियन नेशंस जिसकी जो ग्रुपिंग है दैट इज़ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आई ओ आर ए आर सी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अब बिम्स्टेक के साथ जो रिलेशन हैं, वो अच्छे करने का रीज़न ये है कि सार्क के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। बिकॉज सार्क में पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान को इंडिया आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है दैट्स वाई सार्क से ध्यान हटा के अब बिम्स्टेक की तरफ आ गए हैं हम क्योंकि हमें बाकी नेबर्स को भी निगलेक्ट नहीं करना सो बिमस्टेक इज़ दैट ऑल्टरनेटिव क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं है बाकी ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हैं सार्क वाले देन आई ओ आर ए आर सी नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और इस वजह से इंडिया ने इंडो पैसिफिक या फ्री इंडो पैसिफिक एक जो डॉक्टरी है वो प्रपाउंड करनी शुरू की है अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया जिनके साथ मिलाकर इंडिया ने क्वाड भी बनाया है या इंडिया, ये दोनों ही जो क्वाड भी पहले से है आईओ आर एस भी पहले से है लेकिन 2020 से ये एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है चीजें सो इंडिया का ये कहना दैट इट इज रेडी टू सप्लाई वेपन सिस्टम टू इंडियन ओशन नेशंस इट इज़ टू एंश्योर फ्री इंडो पैसिफिक एंड टू एम्पावर अदर कंट्रीज सो दैट दे कैन टेक अप द चैलेंज ऑफ अ राइजिंग एंड एक्सपेंशनिस्ट चाइना तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये न्यूज देखनी है बाकी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी तो है ही दैट चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया तो इंडिया जो है वो इंडियन ओशन में जितनी भी स्टेट्स हैं जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए लगा हुआ है इसी वजह से जो कोरोना वायरस वैक्सीन है वो काफ़ी कंट्रीज़ को फ्री में दी गई है भूटान नेपाल श्रीलंका म्यांमार बांग्लादेश इन कंट्रीज़ को फ्री में काफ़ी सारी वैक्सीन भेजी गई है सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आई आर पॉलिसी ऑफ इंडिया टू हैव यू कैन सी द सपोर्ट ऑफ दिस कंट्रीज तो ये उस कंटेक्सट में आपको करना है <coughs> उसके बाद वर्ल्ड uh, पेज पे आते हैं एमिड रेजिस्टेंस म्यांमार ब्लॉक्स एफ बी अगेन ये उसी न्यूज का हिस्सा है जिसमें म्यांमार में जो लीडर हैं ऑंगसान की उनको डिपोज कर दिया गया है एंड नाउ मिलिट्री हैज टेकन ओवर द रूल तो ये आपको पढ़ लेना है नथिंग मच इम्पोर्टेंट ऑन द वर्ल्ड पेज देन

इंपॉर्टेंट है फार्म एक्सपोर्ट्स डिफाई ओवरऑल ट्रेंड इन टू ट्वेंटी ट्वेंटी सी नाइन पॉइंट एट परसेंट ग्रोथ तो पूरे इंडिया में जो ओवरऑल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो पंद्रह परसेंट कम हुए हैं लेकिन फार्म एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नौ पॉइंट आठ परसेंट इंक्रीज़ हुए हैं उसका एक कारण ये है कि लॉकडाउन के दौरान भी इंडिया ने एग्रीकल्चर के ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई और इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई उन्नीस और बीस में मानसून भी नॉर्मल रहा दैट वॉज द रीज़न कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है सो इट्स अ ग्रीन इट्स अन से सिल्वर लाइनिंग अमिड इंडियाज डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर सकती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है बक पास्ड अगेन गवर्नर सेज प्रेजिडेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तो जो राजीव गांधी असैसिनेशन में कन्विक्ट हैं उनको छुड़वाने के लिए मर्सी पटिशन उन्होंने फाइल की हुई है देर इज इन जेल फॉर द लास्ट ट्वेंटी सेवन ईयर्स नाउ तो जो मर्सी पटिशन है वो गवर्नर के पास गई लेकिन गवर्नर ने अभी कहा है कि ना ही विल सेंड दिस टू प्रेजिडेंट लेकिन ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि अगर गवर्नर के पास मर्सी पिटिशन जाती है दन द गवर्नर हैज़ टू टेक द डिसीजन बट नाउ द गवर्नर हैज सेंट सेंटेड टू द प्रेजिडेंट तो ये एक आपको देखना है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर और प्रेजिडेंट में आपको कंपेरिजन करना है और कौन से पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए प्रेजिडेंट मर्सी दे सकते हैं और कौन से प्रोविजन के लिए गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डू दैट ये आपको पढ़ना है उसके बाद हम चलते हैं ऑन द एडिटोरियल पेज ऑफ the इंडियन एक्सप्रेस तो काफी सारे स्टेट्स पेजेस पे न्यूज है इसमें से काफी न्यूज तो ऐसी हैं जो द हिंदू में ऑलरेडी कवर हो गई हैं देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट पेजेस इस पर बेसिकली आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना होता है एंड देर इज एन एक्सप्लेंड पेज दैट यू हैव टू स्टडी तो अगर आप कुछ और ना भी पढ़ पाए इंडियन एक्सप्रेस में इफ यू रीड ओनली द एक्सप्ले पेज इवन दैट विल हेल्प सो एडिटोरियल पेज पे जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं फर्स्ट इज कोलम्बो स्टेप्स बैक ये आपको पढ़ना है इसमें इंडिया श्रीलंका रिलेशन्स के ऊपर है कि श्रीलंका ने जो कोलम्बो पोर्ट है उससे इंडियन फर्म के साथ अपना जो डील है वो कैंसिल कर दी है एक सेटबैक है रिलेशन्स के साथ इंडिया श्रीलंका रिलेशन्स में एक छोटा सा सेटबैक है बट इसमें सजेस्ट किया गया दैट गवर्नमेंट शुड मूव ऑन एंड लुक फॉर अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन तो ये आपको पढ़ लेना है सेकेंड ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पुलिस स्टेट्स इसमें बेसिकली कहा गया है कि बिहार और उत्तराखंड में ऐसा कहा गया है कि अगर आप कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हो तो आपको आपके पासपोर्ट में वो चीज लिंक कर दी जाएगी यानी कि आपको एक तरह से हिस्ट्री शीटर या रिकॉर्ड में आपके आ जाएगा दैट यू हैव डन सच थिंग तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस प्रेसिडेंट है ये न्यूज आपको पढ़ लेनी है कि उसका एनालिसिस क्या किया गया है एंड देन लेट अस मूव टू एक्सप्लेन पेज एक्सप्लेन पेज पर भी आज एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है एट द बॉटम ये सो दिस इज द एक्सप्लेन पेज इसमें बेसिकली ये एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओ बी सीज वट अ कमीशन हैज फाउंड सो फार सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओ बीज इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह आपको डिटेल में पढ़ना है काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और जहाँ पर भी इंडियन uh, पॉलिटी के आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पर आप इस आर्टिकल को कट करके लगा सकते हैं ओ में जब भी सब कैटेगराइजेशन के ऊपर आपको आएगा तो इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म है सो दीज आर ऑल द न्यूज़ दैट यू हैव टू रीड इन द न्यूज़पेपर टुडे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे